हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका SST टीचर। ये है हमारा क्लास 4 का चैप्टर नंबर 18। तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम आगे। आर कल्चर एंड हेरिटेज सेल्फ सर्वे में आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेम टू मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में दो मॉन्यूमेंट्स बताने हैं, तो आप बता सकते हैं ताजमहल है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, बहुत सारे हैं। नेम एनी टू फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। आप गरबा बोल दीजिए, आप भांगड़ा बोल दीजिए, दोनों ही बहुत फेमस हैं और होने को तो बहुत सारे फेमस हैं, इसलिए लिखा है एनी टू। इंडिया हैज़ अ रिच एंड यूनिक कल्चर। इट हैज़ बीन मेड यूनिक बाय आर लैंग्वेजेस, डांसेस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा। दीज एलिमेंट्स शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आर आर्ट एंड कल्चर। इन ओल्डन टाइम्स इंडिया वॉज एट द पीक ऑफ इट्स ग्लोरी। आर फोर फादर्स हैव लेफ्ट अ रिच हेरिटेज फॉर अस टू एंजॉय एंड बी प्राउड ऑफ। अब इंडिया के पास एक रिच एंड यूनिक कल्चर है। ये बना हुआ है यूनिक लैंग्वेजेस, डांसेस, पेंटिंग्स, म्यूजिक्स और आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह की वजह से। ये एलिमेंट्स जो है ये अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करते हैं हमारे आर्ट और कल्चर में। अब पुराने ज़माने में इंडिया अपनी ग्लोरी की पीक पे था, सोने की चिड़िया बोला जाता था हमारे इंडिया को। जो हमारे फोर फादर यानी पर दादा पर पापा ऐसे करके थे, उन्होंने एक रिच हेरिटेज छोड़ा था हम लोग के लिए ताकि हम उसको एंजॉय कर सके और हमें उस पर गर्व हो। अब आते हैं लैंग्वेज पे। अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आर कंट्री। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम लैंग्वेजेस आर कॉल्ड डायलेक्ट्स। हिंदी इज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज। देर आर 22 लैंग्वेजेस रिकोगनाइज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर एज फॉलोज। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। किसी एक सिंपल लैंग्वेज का बहुत तरीके से हम फॉर्म बना दें उसे हम बोलते हैं डायलेक्ट। जैसे हिंदी को हम और भी तरीके से बोल देते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज हो गई हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी एक डायलेक्ट है हिंदी का। हिंदी इज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है और टोटल 22 लैंग्वेजेस एज रिकोगनाइज करी गई है बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये हमारी ऐसे हैं कुछ: बंगाली, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत, संथली, असामीज, हिंदी, मराठी, सिंधी, ओडिया, बोडो, कन्नड़, मलयालम, तमिल, डोगरी, कश्मीरी, मैथिली, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी एंड उर्दू। पंजाबी इज बेस्ड ऑन अ 16th century स्क्रिप्ट कॉल्ड गुरुमुखी, क्रिएटेड बाय द सिख गुरु अंगद देव। अब पंजाबी 16th century में एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिसका नाम था गुरुमुखी, उस पर बेस्ड है। और किसने लिखी थी? सिख गुरु थे एक अंगद देव ने। इंग्लिश इज रेड एंड स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड स्क्रिप्ट। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो हमारा इंग्लिश है उसे हम बोलते और पढ़ते हैं एक ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हमारी इंडिया की। अब जो ईच लैंग्वेज है उसका अपना अपना लिखने का स्टाइल होता है जिसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। अब ज़्यादातर लैंग्वेज जो है कश्मीरी, सिंधी और उर्दू को छोड़ के सब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी जैसे हम लोग प्रॉपर्ली लिखते हैं। बाकी कश्मीरी, सिंधी और उर्दू लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। जो कश्मीरी, सिंधी और उर्दू भाषा है उनको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो मैं बता दिया आपको। ड्रेसेस। द क्लोदिंग ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द लोकल कल्चर, रिलीजन एंड क्लाइमेट। इंडियंस वर कलरफुल एंड यूनिक ड्रेसेस। मोस्ट इंडियन वुमेन्स वेयर साड़ी इन अ ब्लाउज। डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर ऑफ देयर रीजन, वुमेन ड्रेप देयर साड़ी इन डिफरेंट वेज। वुमेन इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल ड्रेप साड़ीज इन देयर यूनिक स्टाइल्स। इन असम वुमेन वेयर मेखला चादोर, अ टू पीस साड़ी। द मेखला इज रेप्ड लाइक अ लुंगी एंड द चादोर इज ड्रेप सेपरेटली टू कवर दी अपर बॉडी। अब जो क्लोथिंग है इंडिया की वो रिलेट करती है लोकल कल्चर, रिलीजन एंड क्लाइमेट को। इंडियंस जो है वो कलरफुल और यूनिक ड्रेसेस पहनते हैं। ज़्यादातर इंडियन जो वुमेन है वो साड़ी पहनती हैं ब्लाउज के साथ। अब कल्चर के डिपेंड करता है और रीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वुमेन जो है साड़ी को कैसे पहनती हैं। अब कुछ वुमेन जो है गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में साड़ी पहनती हैं अपने अलग स्टाइल में। असम में वुमेन पहनती हैं मेखला चादोर, जो टू पीस साड़ी होती है। एक पीस जो है वो लुंगी की तरह बांधा जाता है और एक पीस को अपर बॉडी ढकने के लिए यूज़ करते हैं। मेन इन सिटीज वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। इन सम स्टेट्स कुर्ता पजामा, शर्ट लुंगी एंड कुर्ता धोती आर पॉपुलर। अब जो आदमी है वो सिटीज में तो क्या पहनता है? ट्राउजर और शर्ट, शर्ट पैंट पहनते हैं।
और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे कुर्ता पजामा, शर्ट लुंगी और कुर्ता धोती पहने जाते हैं, पॉपुलर हैं। ये हमारी तमिलनाडु की ड्रेस, ये हमारी पंजाब की ड्रेस, ये हमारी महाराष्ट्र की मराठा ड्रेस, ये हमारी वेस्ट बंगाल की बंगाली ड्रेस, ये है गुजरात का स्टाइल गुजराती में पहनने का, और ये है कश्मीरी स्टाइल। अब आते हैं पेंटिंग पे। सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल यूज पेंटिंग्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज। द केव पेंटिंग ऑफ भीम बेटका इन मध्य प्रदेश गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द स्टोन एज। अब एंशियंट टाइम से पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो पेंटिंग्स करते आ रहे हैं, अपने थॉट एक्सप्रेस करते आ रहे हैं, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते आ रहे हैं। जो हमारी केव पेंटिंग्स थी, जो कि भीम बेटका में थी मध्य प्रदेश में, वो आइडिया देती थी लाइफ स्टाइल के लोगों के लिए जो स्टोन एज में रहते थे, कि वो लोग कैसे रहते थे अपने स्टोन एज में। म्यूरल्स ऑफ द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटिंग। दीज इलस्ट्रेट द लेजेंड्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। अब जो अजंता केव्स के म्यूरल्स हैं महाराष्ट्र में, वो कुछ अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं पेंटिंग्स के, वो इलस्ट्रेट करते हैं लॉर्ड बुद्धा के लेजेंड्स को। मिनिएचर पेंटिंग्स बिकेम पॉपुलर इन मुगल रूल। पेंटिंग्स रिवील्ड द ड्रेसिंग एंड हेयर स्टाइल ऑफ पीपल एंड ज्वेलरी वॉर्न एट द टाइम। दे डिपिक्टेड सीन्स ऑफ हंटिंग, बैटल, लैंडस्केप्स, कोर्ट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब मिनिएचर पेंटिंग बहुत पॉपुलर बन गई मुगल रूल के बाद से, जब अकबर वगैरह आए। पेंटिंग जो थी वो रिवील करती थी ड्रेसिंग स्टाइल एंड हेयर स्टाइल लोगों का, एंड ज्वेलरी जो लोग वो पहनते थे। वो डिपिक्ट करते थे हंटिंग के सीन्स, बैटल के सीन्स, लैंडस्केप के सीन, कोर्ट के सीन एंड स्टोरीज के, जो कि हमारे लॉर्ड कृष्णा के थे। द फिश पेंटिंग वॉज मेड बाई प्रिमिटिव मैन, बिलीव टू हैव बीन मेड बाई होमो नेंदरथलीज इन प्री हिस्टोरिक एरिया। जो फर्स्ट पेंटिंग थी वो प्रिमिटिव मैन के द्वारा बनाई गई थी, और ये बिलीव है कि उसे होमो नियंदरथलीज ने बनाया था प्री हिस्टोरिक एरिया में। आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स। द टाउन प्लानिंग एट इंडस वैली इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब आर्किटेक्चर आर्ट होती है बिल्डिंग्स बनाने की। जो टाउन प्लानिंग है हमारी इंडस वैली पे, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे पुराना एग्जाम्पल है इंडिया में आर्किटेक्चर का। द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर दी स्टूपाज बिल्ट बाय एम्परर अशोका एट सारनाथ एंड सांची एट दी रॉक कट केव्स एट अजंता। अब जो बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं, वो हमारे स्तूपाज हैं जो बिल्ड करे गए हैं बाय एम्परर अशोका, यानी हमारे जो अशोका महाराज थे, एंड सार एट सारनाथ, सारनाथ और रांची में रॉक कट केव्स में अजंता पे। ये हमारा सांची स्तूपा है, ये हमारा मीनाक्षी टेम्पल है, ये हमारा ताजमहल है, एंड ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा। द मुगल एम्परर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, फोर्ट्स, पैलेसेस एटसेट्रा। मुगल आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द जामा मस्जिद, द रेड फोर्ट लाल किला, एंड द हुमायूं टूम इन दिल्ली। द ताजमहल इन आगरा इज अ ग्रैंड स्ट्रक्चर विद ब्यूटिफुल डोम्स एंड मीनारेट्स। अब जो हमारा मुगल एम्परर्स हैं, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया इन सब मॉस्क, फोर्ट्स, पैलेसेस एटसेट्रा में बनाने के लिए, बहुत पैसा खर्च किया। जो मुगल आर्किटेक्चर था वो जामा मस्जिद, रेड फोर्ट और हुमायूं टॉम जो दिल्ली में है उसमें दिखता है। जो हमारा ताजमहल आगरा में है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है विद ब्यूटीफुल डोम्स और मिनारेट्स। डोम्स तो हो गए आपके इस प्रकार से, ये जो गोल गोल दिख रहा है, और मीनार्स हो गए आपके ये जो लंबे लंबे आपको जगह दिख रही है, ये चार। द यूरोपियंस फर्दर एडेड टू द वंडर्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। द ब्रिटिश एंड द अदर यूरोपियंस बिल्ट मैनी बिल्डिंग्स इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। अब यूरोपियंस ने फर्दर बहुत सारे वंडर्स ऐड करे इंडिया में आर्किटेक्चरल स्टाइल में। जो ब्रिटिश और अदर यूरोपियन बिल्डिंग्स लोग थे, उन्होंने बिल्डिंग्स बिल्ड करी कहाँ पे, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में। सम ऑफ देम आर विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, चर्चेज इन गोवा एंड पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली। अब कुछ हैं ऐसे जो उन्होंने बिल्ड करे, हम नाम लेते हैं। एक तो विक्टोरिया मेमोरियल है, कोलकाता में बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन है हमारा, यानी हमारा प्रेसिडेंट हाउस, वो न्यू दिल्ली में है। चर्चेस गोवा में है बहुत सारे, और पार्लियामेंट हमारा हाउस है दिल्ली में। फोक डांसेस। देयर आर अ वेराइटी ऑफ फोक डांसेस इन इंडिया। दीज आर परफॉर्म बाय द ग्रुप्स ऑफ पीपल टू एक्सप्रेस जॉय ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज मैरिजेस, हार्वेस्टिंग टाइम, फेस्टिवल्स एटसेट्रा। सम इंडियन फोक डांसेस आर गरबा, डांडिया, घूमर, भांगड़ा एंड गिद्दा, बीहू एटसेट्रा।
अब कुछ वैरायटी ऑफ फोक डांसेस बहुत सारी हैं हमारे इंडिया में, ये परफॉर्म करी जाती हैं बाय अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि वो अपना एक्सप्रेस कर सके जॉय अपनी स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे कि शादी, हार्वेस्टिंग टाइम जब आता है पंजाब में, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ इंडियन फोक डांसेस हमारे पास सामने हैं, जैसे कि गरबा हो गया और डांडिया हो गया, घूमर, भांगड़ा, गिद्दा हो गया एंड बीहू हो गया। ये हमारा गरबा एंड डांडिया है, ये हमारा घूमर है, ये हमारा भांगड़ा है एंड ये हमारा बीहू है। द ट्राइबल डांसेज ऑफ नागालैंड, मिजोरम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर ऑल्सो पॉपुलर। अब जो ट्राइबल डांसेज हैं नागालैंड, मिजोरम और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो बांग्लादेश की दूसरी साइड पे हैं, उनके भी बहुत सारे हमारे ट्राइबल डांसेस पॉपुलर हैं। अब आते हैं थोड़ा म्यूजिक पे, मनोरंजन पे। दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडियन, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। अब दो टाइप के क्लासिकल म्यूजिक हैं, एक तो इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। द हिंदुस्तानी म्यूजिक इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ इंडिया वाइल द कार्नेटिक म्यूजिक इज प्रैक्टिस्ड इन साउथ एशिया। अ लार्ज वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बोथ इन हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। अब जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो हम बजाते हैं नॉर्थ इंडिया में, और जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो बजता है साउथ इंडिया में। बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं दोनों में ही, हिंदुस्तानी में भी एंड कर्नाटिक में भी। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन क्लासिकल म्यूजिक। द वीणा, सितार, सरोद, शहनाई, फ्लूट, तबला, हारमोनियम एटसेट्रा आर सम पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, जैसे कि हमारा वीणा, सितार, सरोद, शहनाई, फ्लूट, तबला, हारमोनियम, बहुत सारे हैं, और इन सबको पॉपुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। ये रहा हमारा हारमोनियम, ऐसा कुछ दिखता है। ये है हमारा तबला, ऐसा दिखता है। दो हमारे डिब्बे टाइप से होते हैं, उनके ऊपर हाथ रख के बजाते हैं, हाथ से मारते हैं उस पर। फिर सितार, ये लाइक गिटार होता है, बस ओल्ड गिटार की तरह मान लीजिए आप, गिटार को ऐसे बजाते हैं, और वीणा को हम ऐसे रखते हैं अपने कंधे पे और ऐसे बजती है। फिर आपकी शहनाई है, ये शादी ब्याह में तो बजती है, आपको पता है। फिर आपकी वीणा, वीणा आपको ऐसे रखनी पड़ती है सीधी, और ऐसे बजती है, गिटार ऐसे और वीणा ऐसे। अब उसके बाद हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, जल्दी से इसके हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं और चैप्टर को करते हैं फिनिश। सबसे पहले आते हैं हम, डैश इज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पे, डैश लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सिंधी, कश्मीरी, उर्दू तीनों लिखी जाती हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द डैश इन आगरा इज अ ग्रैंड स्ट्रक्चर विद ब्यूटीफुल डोम्स एंड मिनारेट्स। तो इसका आंसर है ताजमहल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डैश वैली इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो इंडस वैली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कोलकाता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया, ओनली 2। द डैश म्यूजिक इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो भाई नॉर्थ इंडिया में आता है द हिंदुस्तानी म्यूजिक, और साउथ में कौन सा होता है बताओ, कर्नेटिक। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड स्क्रिप्ट। एंड लास्ट है हमारा, डैश इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, उसे कहते हैं आर्किटेक्चर। किसी भी चीज को बनाने की आर्ट को हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, और जो उसे कर रहा है उसे कहते हैं आर्किटेक्ट। अब राइट टू एंड फॉल्स, कोंकणी इज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल गलत, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। द हुमायूं स्टॉम इज इन दिल्ली, ये है हमारा ट्रू। गिद्दा इज एन इंडियन फोक डांस, ये हमारा ट्रू। देर आर 26 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 है इसका आंसर, तो ये है फॉल्स। द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट, तो इसका आंसर भी है ट्रू। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ते रहेंगे अपने चैप्टर्स में, और आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ऐसी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।